ज्ञान की उड़ान यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त आर के श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर अद्भुत और रोचक जानकारी से भरे वीडियो रोज़ अपलोड होते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे उन वीडियोज़ की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। पिछला वीडियो, चूँकि दो वीडियो मैंने आपको सोना से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व पर दे चुका था, ये तीसरा वीडियो है, तो आइए देखते हैं कि सोने में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें छुपी हुई हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें से पहला है कि 10 ग्राम सोना से एक बाल जितनी मोटाई की 5400 फीट 1.6 किलोमीटर, मतलब 5400 फीट जो होता है वो 1.6 किलोमीटर लंबा तार, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब 10 ग्राम जो सोना है उसको हम इतना खींच सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, जो कि बाल के बराबर मोटा होगा। अगला है, ऐसा अनुमान है कि सभी महासागरों के अंदर 20 मिलियन टन सोना है, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक तार बनाने के लिए 60 टन सोना लगेगा। अगर सूर्य से पृथ्वी तक कर दी हम एक तार खींचते हैं तो 60 टन सोने की हमें ज़रूरत होगी। अगला है, शुद्ध सोना खाया जा सकता है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो शुद्ध सोना है उसे आम आदमी खा भी सकता है और उससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगला है, धरती में दबा 80% सोना अभी तक नहीं निकाला गया, अगर यह निकाला जाए तो हर इंसान के पास 4 किलो सोना होगा। धरती में दबा 80% सोना अभी तक नहीं निकाला गया है, मतलब केवल 20% आज तक सोना निकाला गया है दोस्तों, और अगर यह सोना निकाल लिया जाए तो हर इंसान, इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के पास 4 किलो सोना हो जाएगा, इतना सोना धरती के नीचे दबा हुआ है। अगला है, सोना और कापर सबसे पहले खोजा गया था, सोना और कापर को सबसे पहले खोजा गया था लगभग 5000 साल पहले। अगला है, सोना पहनने से हमारे शरीर के डेड सेल खत्म हो जाते हैं, मतलब सोना पहनना हमारे शरीर के लिए मतलब बहुत ही लाभप्रद है, इससे क्या होता है कि डेड सेल जो हमारे शरीर के होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगला है, यूकेलिप्टस के पत्ते में सोने के कण मौजूद होते हैं, जो यूकेलिप्टस होता है, जो पेड़ होता है, उसके पत्तों में सोने के कण मौजूद होते हैं। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों का हेलमेट बनाने में सोने का प्रयोग होता है, जो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, जैसे कि हमारी कल्पना चावला वगैरह गई थी, तो वो उनका जो हेलमेट होता है वो सोने का उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि जो सूर्य की जो खतरनाक किरणें होती हैं वो, चूँकि हेलमेट जब पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और हेलमेट के अंदर का जो वातावरण होता है उसको ठंडा रखने में सोना मददगार होता है। अगला है, कनाडा की बैरिक गोल्ड, ये कंपनी का नाम है, बैरिक गोल्ड कंपनी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सोना निकालने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ 10 पॉइंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल पर रोज़ एक बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो कि आपने कभी इन चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं होगा, ऐसे टॉपिकों पर, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वीडियो कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उन सारे वीडियोज की सूचना आपको तत्काल नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाओगे। तो अगले वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।